2018 खत्म होते होते अक्षय कुमार ने 2019 के लिए 5 फिल्मों का ऐलान कर दिया, जिसमें से केसरी, मिशन मंगल, गुड न्यूज़, हाउसफुल 4 और सूर्यवंशी फिल्म शामिल है। इसी बीच जहां अक्षय कुमार ने हाउसफुल 4 को दिवाली पर रिलीज करने की घोषणा की थी, वहीं इस फिल्म के साथ ही बड़ी एक और ऐलान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग अनटाइटल्ड एक्शन फिल्म 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार फिल्म की रिलीज डेट बदल दी है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म अब दिवाली पर ही रिलीज होगी, यानी कि अब दिवाली पर होने वाला है एक बड़ा क्लैश। एक तरफ जहां इस एक्शन फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ हाउसफुल 4 में फिल्म के अंदर अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख, बॉबी देओल, राणा दुगुबती, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, पूजा खरबंदा और जॉनी लीवर जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे। आपको बता दें कि ऋतिक और टाइगर की एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर ये एक दूसरे का अपोजिट भी नजर आ सकते हैं, जबकि दूसरी एक मल्टी स्टारर कॉमेडी है, यानी कि दिवाली पर एक नहीं बल्कि 2 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला रहेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन सी फिल्म कमाएगी ज्यादा दिवाली पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबरें मिलती है सबसे पहले।